तो डियर स्टूडेंट आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर, मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं और आपको इसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का जो टॉपिक है, क्या सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं या कैंसिल हो सकते हैं? तो कुछ लोग इसके लिए अफवाह उड़ा रहे हैं कि सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, लेकिन आप ऐसा देखेंगे, आप ऐसा कहीं न्यूज में भी नहीं है और ना इसकी कोई ऑफिशियल ट्वीट है, न इंस्टा पे कोई सीबीएसई ने कुछ किया है, मतलब ट्विटर पे या कहीं, और न ही ऑफिशियल नोटिस है। अब ये बात उत्पन्न कहाँ से हुई, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए सीबीएसई को ये आदेश दिया, मतलब आदेश कहें या उनको एक सजेशन दिया कि आप अपने बचे हुए एग्ज़ाम को रद्द कर दो यानी कैंसिल कर दो और कुछ इस पर अलग से कुछ दिमाग लगाओ और नंबर कैसे मार्किंग सिस्टम अरेंज करेंगे इस पर आप सोच के 7 दिन के भीतर आप हमको रिपोर्ट दो, ठीक है। अब स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे मैं बताता हूँ। अब सोमवार को रिपोर्ट आएगा, ठीक। कुछ गार्जियन ने, अभिभावक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखे हुए अब बस सीबीएसई की जो बची हुई परीक्षा है उसको रद्द कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ कि दिल्ली की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार है, इन लोगों ने भी गार्जियन के समर्थन में आए और बयान जारी किया कि हाँ अब एग्ज़ाम को रद्द कर देना चाहिए। तो न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो न्यूज़ रिपोर्ट जो कह रही है, आप दैनिक जागरण .com जाए, हिंदुस्तान.com जाए या कहीं भी आप न्यूज़ में देखेंगे, तो बात ये हो रही है कि जो HRD मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसने इस सब पे तय कर लिया है, रिपोर्ट तैयार होने वाला है। इसके लेकर आपको गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय से चर्चा भी हुई है, गृह मंत्रालय से हो गई है और कुछ दिन में HRD मिनिस्टर साहब स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा करेंगे इस बारे में, क्योंकि ये कोरोना वायरस को लेकर है। तो गृह मंत्रालय देश में सारे कानून को फॉलो करवाने का काम होता है, मतलब लागू करते हैं गृह मंत्रालय, और स्वास्थ्य मंत्रालय को मतलब जानकारी देकर या उनसे आदेश लेकर ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने होंगे। तो बहुत सारे लोग इस पर अफवाह उड़ा रहे हैं कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो देखिए, अभी कोई इसकी ऑफिशियल नहीं आई है कि एग्ज़ाम नहीं ही होगा, इसलिए बहुत सारे बच्चे पढ़ाई उड़ाई छोड़े नहीं, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी सोमवार को रिपोर्ट सबमिट होगी तभी पता चलेगा कि एग्ज़ाम हुई है कि नहीं, मतलब होगा कि नहीं होगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, चांसेस लग रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो, लेकिन CBSE बहुत सोच समझ के फैसला लेती है, तो अब देखा जाए क्या होगा। अगर मान लो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो CBSE ने जो विकल्प, मतलब उनके एक अधिकारी ने विकल्प दर्शाए कि मार्क्स हम लोग कैसे बांटेंगे, तो मार्क्स हो सकता है आपको प्री बोर्ड के आधार पर मिले या आपके स्कूल में जो इंटरनल असाइनमेंट होते हैं उसके आधार पर मार्क्स मिले या अन्य सब्जेक्टों के आपके जो आधार हैं, जैसे आपके, और ऐसा होता भी है आप हर सब्जेक्ट में अच्छे हो तो आप निश्चित ही हर सब्जेक्ट में एवरेज ही होते, एक ही रंग के होते, 5 से 10 नंबर ऊपर से नीचे होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो ये एक बेसिक जानकारी थी। अब हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल भी हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की अब आवाज़ उठ रही है, अभिभावक अब इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, बच्चों का सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो सुरक्षा के कारण हो सकता है कि एग्ज़ाम कैंसिल कराना पड़े। लेकिन मैं बार बार कहूँगा, इसके अभी कोई ऑफिशियल नहीं आई है, सोमवार को जब रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि क्या इसके लिए आगे दिशा निर्देश मतलब CBSE देगी। हालांकि सरकार के कहना है कि जितने भी शैक्षणिक कार्य हैं, मतलब कि जो एडुकेशनल वर्क है, मतलब जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उसको हम लोग 15 अगस्त के बाद ही चालू करेंगे। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि 15 अगस्त के बाद ही सारे स्कूल कॉलेज के काम होंगे, तो अब एग्ज़ाम आप जुलाई में कैसे कंडक्ट कराएंगे, तो ये एक बड़ा समस्या है। हालांकि आप कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्या इच्छा है, कैंसिल होना चाहिए कि नहीं। तो हो सकता है कैंसिल भी हो सकता है नहीं भी हो। तो जब तक बच्चों रिपोर्ट नहीं आती है तब तक इसके बारे में कोई मतलब कि कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है या कोई यहाँ पे दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए अभी तक कोई इसकी रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, हो सकता है कुछ हो, लेकिन अभी इसके लिए कोई तय नहीं है। अगर मान लीजिए कि
एग्जाम होते हैं तो, और दूसरा जो क्वेश्चन है, एग्जाम होते हैं तो रिजल्ट सर कब आएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिजल्ट कब आएगा। अब इसके लेकर भी बच्चे बहुत सारे फर्जी वीडियो में आ जाते हैं, रिजल्ट कब, रिजल्ट कब, रिजल्ट बोर्ड का कब पब्लिश होता है ये किसी को भी नहीं पता। अभी बोर्ड के चेयरमैन साहब को भी नहीं पता होगा कि हम रिजल्ट कब देने जा रहे हैं, तो दूसरा क्या बताएगा। लेकिन एक सटीक अनुमान जो है वो मैं बताता हूँ, जैसे आपको इसके पीछे का तर्क भी दूंगा कि मान लो कि अगर एग्जाम होते हैं तो 1 से तो 15 जुलाई तक एग्जाम ही होंगे, तो मान लीजिए कि 15 जुलाई तक जिनका एग्जाम होगा उनके रिजल्ट को तैयार करने में भी बोर्ड को 10 से 15 दिन का समय लगेगा, यानी जुलाई तो पूरा उन्हीं में बीत जाएगा, क्योंकि CBSE के क्रिटेरिया है कि सारे बच्चों का, स्टूडेंट का रिजल्ट वो एक साथ ही पब्लिश करेगी। तो अब देखिए 30 जुलाई तक यही सब काम होगा, तो अगर 1 से 15 जुलाई तक एग्जाम होते हैं तो पूरी चांस है कि अक्टूबर में मतलब सॉरी अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको, अक्टूबर नहीं अगस्त, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट आ सकता है अगर एग्जाम कैंसिल नहीं हुए तो। अब देखिए सोमवार को अगर रिपोर्ट में पता चलता है कि कैंसिल करना पड़े, तो आपको आज 20 तारीख है तो लगभग 5 दिन में पता चलेगा, 25 जून, तो हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जब एग्जाम ही कैंसिल हो जाएंगे तो मतलब रिजल्ट का क्या होगा। दूसरी बात है कॉपी चेकिंग आप लोग की हो रही है जैसे हर साल होती है वैसे हो रही है, ये नहीं है कि खाली कॉपी पे नंबर मिला, ऐसी बात नहीं, जैसे होती है वैसे हो रही है कॉपी चेकिंग। अच्छे अभिभावक हैं आप, लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे, आप डेफिनेटली पास होंगे, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, बहुत सारे बच्चों को कंपार्टमेंट का डर है, तो उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के उनको समझाऊंगा। तो यही इम्पोर्टेंट बताना था कि जो ऑफिशियल न्यूज है ऐसा कुछ है नहीं जो कैंसिल होने वाला है, बस कोर्ट ने उनको एक निर्देश जारी किया है कि इस पे विचार करें रद्द करने पे अभी, और गृह मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय से बातचीत होने के बाद HRD मिनिस्ट्री इस पे कुछ निर्णय लेगा। क्योंकि तो देखो CBSE बोर्ड पूरे न केवल किसी राज्य में है बल्कि पूरे देश में ही नहीं, और पूरे देश में तो है ही, यानी कि पूरे देश में ही नहीं विश्व में भी फिर CBSE बोर्ड है, फॉरेन में सबको नज़र लगाना पड़ता है, मतलब सब पे ध्यान देना पड़ता है। ऐसे फॉरेन में तो एग्जाम पहले ही कैंसिल हो चुके हैं, तो CBSE बोर्ड अपने पूरे देश भर में है, तो देश भर में इसका इफेक्ट पड़ता है, तो सोच समझ के फैसला लिया जाता है, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, आप अपनी पढ़ाई को तब तक चालू रखें जब तक कोई ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आती कि कैंसिल होना है। और पढ़ाई सिर्फ आप एग्जाम के लिए थोड़ी करते हैं, आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें, मैं यही कहना चाहूँगा। आप इन सब चक्रों में, फर्जी वीडियो के चक्रों में आप दूसरे का मत देखें। लास्ट वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियल नोटिस आएगी सोमवार को रिपोर्ट के बाद तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आती है तो उसकी भी मैं यहाँ पे वीडियो बना दूंगा। तो यही जानकारी देनी थी कि पैनिक नहीं हो, कोई अभी ऑफिशियल जानकारी तो है नहीं, इसलिए रिजल्ट की टेंशन आप मत लो, आपने लिखा है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखिए आगे CBSE रिपोर्ट सौंपता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। हालांकि पहले दिल्ली सरकार ने आवाज़ उठाया अभिभावक के साथ, अब धीरे धीरे बहुत अभिभावक जुड़ने लगे, अब धीरे धीरे मुझे लगता है हाई कोर्ट में केस हो, जिला न्यायालय सब में भी केस, कोर्ट केस हो, हर राज्य के लोग अपने अपने न्यायालय में कर दें। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार आ गई, अब सुन रहे हैं तेलंगाना सरकार भी आई, तो धीरे धीरे अब सरकार जुड़ती चली जाएगी, तो CBSE पे दबाव बनेगा, तो हो सकता है कैंसिल हो, तो आपको मैं बता दूंगा, इसलिए घबराए नहीं। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे इस बात में, तो आप CBSE बोर्ड थोड़ा ही CST की बोर्ड पहले से है बहुत, देखिए अभी बहुत सारे बोर्ड ने फैसला ले लिया होता अभी इतने एग्जाम बचे होते, लेकिन CBSE ने अभी खाया कि एग्जाम लेंगे, तो आप कोई भरोसा वरोसा नहीं, इसलिए पहले से आप तैयारी रखो अपना एग्जाम को, मतलब तैयार करो, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं बच्चों। एग्जाम हो चाहे नहीं, आप अपना जानकारी के लिए नहीं पढ़ते क्या, परीक्षा के लिए सिर्फ पढ़ते हैं आप, तो क्या कहूँ अब मैं आपको, आप दूसरे जगह मत जाओ कहीं, इस हम भ्रामक स्थिति पैदा मत करो, आप सिर्फ पढ़ने का काम करो, बस यही बार बार कहूँगा। और कोई भी ऐसी न्यूज आती है तो इसको मैं यहाँ पे बताऊँगा, आपको डिटेल में बताऊँगा, या कोई ऐसे वायरल खबर आ रहा है तो उसको आप विश्वास मत करो, कोई भी ना कोई न्यूज आएगी तो वो TV न्यूज चैनल पे आएगी, या जो अच्छे अच्छे जो वेबसाइट है जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, आज तक ये सब की है, जी न्यूज, ये सब की जो सब जो नेशनल TV के चैनल के वेबसाइट है या पेपर के, वो सब असली बताते हैं, उन सब पे भरोसा करना। लेकिन सबसे पहले कोई ऑफिशियल चिट्ठी जब तक जारी नहीं होगी, लेटर,
तब तक कुछ कह नहीं सकते। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही बात को मैंने बार बार कहा है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन समझाना पड़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ऐसी जानकारियों के लिए मैं आपको हर एक जानकारी दूंगा। और जो बच्चे लेक्चर के लिए कमेंट कर रहे हैं, लेक्चर कल से अपलोड होगा। धन्यवाद।